गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर ज्योमेट्री जेम सीरीज, जिसमें डेली एट 7:30 PM हम एक मस्त सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा बहुत सारे सर्कल्स हैं आज के क्वेश्चन में, बट ट्रस्ट मी बहुत बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स लगती है, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। हेयर एट व्यूएस हमने 23 सितंबर से एक नया बैच स्टार्ट किया IOQM का, IOQM बूस्टर बैच है ना। आपको आइडिया होगा IOQM का नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम इज ऑन 9th of January। ठीक है, तो जो ट्रू मैथ्स एस्पिरेंट है दे शुड डेफिनेटली एनरोल दिस बैच, एंड दिस बैच इज ऑफ बेसिकली 10,000। यू कैन गेट इट एट 2500 यूजिंग दिस कूपन CZIOQM। ठीक है, और तो जो ट्रू मैथ्स एस्पिरेंट्स है, एंड इनफेक्ट अगर किसी बच्चे के पास ऑलरेडी IOQM सर्टिफिकेट है, या किसी ने अगर लास्ट ईयर इनमो का एग्जाम दिया था, या उससे प्रीवियस ईयर्स में किसी ने PRMO या RMO क्लियर किए हुए, दे शुड मेल मी देयर दिस क्रीडेंशियल ऑन दिस ईमेल आईडी chetan.garg@vedanto.com। आपको आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको इनमो या RMO बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। ठीक है, एंड दे दीज बैचेज आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करना है इन बैचेज में एनरोल होने के लिए। अगर आपको किसी भी और ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो फिजिक्स ओलंपियाड है, केमिस्ट्री ओलंपियाड है, KVPY है, NTSC है, NSEGS है, Stage 1 या Stage 2, यू कैन फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/VOSMaths2। ठीक है, हमारे कंसर्न पर्सन आपको कॉल करेंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग एनरोल इन दीज बैचेज। राइट, तो लेट्स स्टार्ट द ज्योमेट्री जेम। ये हमारा क्वेश्चन था यार, जैसे आप देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन में बताया था एच वॉज द ऑर्थो सेंटर, है ना। एच ऑर्थो सेंटर है, मतलब ये सारे परपेंडिकुलर्स हैं, और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं दे आर द रेडियाई ऑफ द गिवन सर्कल्स। ठीक है, तो हमें एक ये क्वेश्चन मार्क है, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है और लेट्स सी कैसे प्रोसीड करते हैं। पहले तो हम इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट डायग्राम देख लेते हैं। क्लियरली ये है ना, ये सारे इन सर्कल्स हैं, है ना, दिस ऑल आर द इन सर्कल्स। तो एक 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 आपको शायद आइडिया होगा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं जैसे ई वाली ट्राइंगल को उठाता हूँ BHD, और अगर मैं ट्राइंगल उठाता हूँ AHE, क्या आपको ये दोनों ट्राइंगल्स में कुछ दिख रहा है? ऑल्टीट्यूड है तो ये 90, ठीक है, ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होनी चाहिए? सिमिलर। समझ पा रहे हो? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो शायद आपको आइडिया होगा कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स का, ठीक है, चाहे वो सर्कम रेडियाई है, चाहे वो इन रेडियाई है, या वो मतलब रेशियो ऑफ देयर इन रेडियाई, रेशियो ऑफ देयर सर्कम रेडियाई, रेशियो ऑफ देयर लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कोई भी रेशियो ऑफ देयर लेंथ ऑफ मीडियन, ये सारा उनके रेशियो ऑफ साइड्स के इक्वल होते हैं। कैसे वो, चलो मैं बता भी देता हूँ आपको। जैसे लेट से सिंस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो मान लो ये जो रेशियो है, रेशियो ऑफ देयर साइड्स, दैट इज AE/BD, है ना, ये मैं मान लेता हूँ अभी के लिए ये के इक्वल है। ठीक है, एंड सिमिलरली मतलब AH/HD, और सॉरी AH/ कितना आएगा, BH, एंड इधर और क्या आ जाएगा, DH/HE, EH/HE, EH/HD, है ना, ये सारे रेशोज के इक्वल होंगे। अगर मैं दोनों के सर्कम रेडियाई की बात करूँ, BHD वाले को मैं मान लेता हूँ, इसको मैं R1 मान रहा हूँ, लेट्स अज्यूम इसको मैं R2 मान रहा हूँ, तो R1/R2, R1 का फॉर्मूला क्या होगा, delta 1/S1, स्मॉल r का ये फॉर्मूला होता है ना इन रेडियस का। R2 का क्या फॉर्मूला होगा, delta 2/S2। ठीक है, delta 1 एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स का रेशियो, हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज के रेशियो उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होते हैं, तो delta 1/delta 2 दैट शुड बी K²/S1/S2। सेमी पैरामीटर्स का रेशियो दैट शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइड, तो दैट विल बी इक्वल टू K, K² / K दैट इज इक्वल टू K। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब ये वैसे पता भी होना चाहिए था आपको, कि किसी भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो साइड्स का रेशो होता है, वही रेशो उनके इन रेडियस का रेशो होता है, वही सर्कम रेडियस का होता है, वही रेशो उनके एंगल बाइसेक्टर्स की लेंथ का होता है, वही रेशो उनके ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ का होता है, वही मीडियंस की लेंथ का होता है ना, ये सारी रेशो सेम रहती है। ठीक है, तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हम अब इस एक बार क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, चलो हम ना पहले वाली फिगर पे ही जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, लेट से मैंने अभी ये वाले दोनों ट्राइंगल्स की मैं बात करता हूँ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, अभी हमने बताया था क्यों, तो आई कैन से
इसका ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो आई कैन से ये जो एक्स अपॉन फोर है दैट शुड बी इक्वल टू ए अपॉन बी डी, ये ए अपॉन बी डी के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप देखोगे ये वाला ट्राइंगल, फाइव वाला ट्राइंगल और वन वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा, ठीक है, फाइव वाला और वन वाला सिमिलर होगा, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि फाइव अपॉन वन दैट शुड सिमिलर, क्यों है, बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये 90 थे, है ना, सिमिलर है, ये सबको समझ में आना चाहिए। तो फाइव अपॉन वन दैट शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, फाइव के साथ डी सी और इधर ए एफ, डी सी एंड ए एफ, ठीक है। अब कौन सी दो ट्राइंगल्स बच गई, फोर और क्वेश्चन मार्क ले लिया, फाइव वन ले लिया, ये वाला बच गया 1.5 वाला और 3 वाला, ठीक है, आई होप ये सबको देखना चाहिए, 1.5 और 3 वाला बच गया। अब डी सी इधर है तो इधर मैं बी एफ ले लेता हूँ, मतलब 1.5 अपॉन मैं कर देता हूँ 3, ठीक है, 1.5 अपॉन कर दिया हमने 3, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, बी एफ और सी ई के इक्वल होना चाहिए, ये रेशियो शुड बी बी एफ अपॉन सी ई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे है ना शायद आपको कुछ दिखना चाहिए यार, अगर आप देखोगे इनमें क्या हो रहा है, ए डी सी बी एफ, ए डी सी बी एफ, और डिनोमिनेटर्स में क्या है, बी डी ई सी एंड ए एफ, ठीक है। आई होप काफी बच्चों को स्ट्राइक कर गया होगा, मैं कौन सी थ्योरम की बात करता हूँ, यस सेवियंस थ्योरम, शिवास थ्योरम की मैं बात कर रहा हूँ। सिंस ये तीनों सीवियंस जो है वो एक पॉइंट पर कॉन्करेंट है, एच पॉइंट पर, तो बाय सेवियंस थ्योरम आई कैन से ए मल्टीप्लाइड बाय दिस डी सी मल्टीप्लाइड बाय बी एफ, है ना, अपॉन अपॉन बाकी के जो तीन रेशोज हैं, दैट इज ई सी मल्टीप्लाइड बाय बी डी, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय डी सी, ई सी मल्टीप्लाइड बाय बी डी, है ना, बी डी मल्टीप्लाइड बाय कर्सिव वाला कौन सा ए एफ, कर्ली वाला, है ना, दैट दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू वन। और अगर आप ध्यान से देखोगे इन तीनों का प्रोडक्ट हमें वही चीज दे रहे हैं, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो प्रैक्टिकली इन तीनों का प्रोडक्ट वन होना चाहिए, मतलब शिवाज थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स मल्टीप्लाइड बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय 1.5 होल अपॉन फोर मल्टीप्लाइड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस शुड बी वन। अब तो सीधा क्वेश्चन, ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाता है, एक्स का वैल्यू 12 अपॉन 75 मल्टीप्लाइड बाय 10, है ना, तो 5 इंटू 2 5 इंटू दिस थिंग 15, ये बनेगा ना, हाँ 5 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 5 3 इंटू 4, ठीक है, तो 8 अपॉन 5 दैट इज 1.6, तो जो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, दिस क्वेश्चन मार्क दैट शुड बी 1.6, आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। तो देखो अब इसमें ना हमने दो तीन चीजें यूज करी, पहला सिमिलर ट्राइंगल्स का, ठीक है, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके इन रेडियस की रेशियो या उनके सर्कम रेडियस का रेशियो या एंगल बाइसेक्टर के लेंथ का रेशियो या मीडियन के लेंथ का रेशियो या ऑल्टीट्यूड के लेंथ का रेशियो वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होते हैं, ठीक है, ये हमने प्रूव भी किया, यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख सकते हो। फिर हमने क्या बोला, हमने क्लियरली ये सेट ऑफ ऑपोजिट सिमिलर ट्राइंगल्स का पेयर था, है ना, ये वाला इसके साथ, बिकॉज एच वॉज द ऑर्थो सेंटर ना, तो ये सारे एंगल्स 90 डिग्री थे, तो दो एंगल्स तो मैच, एक एंगल तो मैच कर ही रहा, एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मैच करा दिया। फिर उसके बाद हमने इनके रेडियस की रेशो को कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के इक्वल कर दिया। फिर हमने हमें स्ट्राइक किया कि यार अच्छा ये तो शिवाज थ्योरम लग रही है, सीधा साधा, है ना, तो शिवाज थ्योरम लगाया तो इन सब का प्रोडक्ट वन आ गया, वहां से अब सिंपली एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, दैट केम आउट टू बी 1.6, ठीक है। तो ये आज का ज्योमेट्री जम था यार, अगेन देखो आपने आई एम वेरी श्योर आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा खुद से, एंड शायद काफी कुछ आप इन रेडियस के चक्कर में फंसे होंगे, बट हाँ बहुत ईजी क्वेश्चन था, दिखने में खतरनाक था, ईजी था। प्रीआरएमओ की मैं अगर आईओक्यूएम की बात करूं, आई विल रेट दिस क्वेश्चन एज 3 मार्क्स टू 5 मार्क्स, 3 से 5 मार्क्स का कुछ भी आ सकता है, 3 मार्क्स का आते तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा, 5 मार्क्स का आते तो थोड़ा ईजी काउंट होगा, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन यार, जो बच्चे ऑलरेडी आईओक्यूएम सर्टिफिकेट होल्डर हैं, प्लीज 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 मुझे इस ईमेल आईडी पर अपने ये वाली क्रेडेंशियल्स मेल करो, हम आपको डायरेक्टली आरएमओ और इनमो बैच में एनरोल करेंगे, राइट। तो सी यू टुमारो एट 7:30 PM, till then please take a very good care of yourself, thank you, bye bye.